लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उसको न फांसी पे चढ़ाने की जरूरत है न उसके बेटे को गिरफ्तार करवाने की जरूरत है। बाप बेटे का क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं और मैं इन दोनों को ठिकाने पे लगा के रहूंगा। तुम्हारे पिता की असलियत का पता मुझे बहुत पहले ही चल चुका था। तुम्हारे पिता और उनके साथियों ने अपने गुनाहों की आग में मेरे पिता की जिंदगी जला डाली, उनको बर्बाद करके रख दिया। और अब वो और उनके साथी मिलकर तुम्हें जान से मारने का प्लान बना रहे हैं। कौन किसे मारता है अब ये फैसला मैं ऊपर वाले पर छोड़ता हूँ, मगर ये सब कुछ जान लेने के बाद क्या तुम मेरा साथ निभा पाओगी? तुम्हारा साथ तो मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाऊंगी। पिताजी आपने पेट में मछलियां पाल रखी हैं क्या? बोतल के ऊपर बोतल, बोतल के ऊपर बोतल पीते जाते, बोर नहीं होते? अबे किसी को कहना मत, मैं 24 घंटे ज्वाला सिंह के ख्याल से डरता रहता हूँ, उसके डर को मिटाने के लिए शराब पीता रहता हूँ और फिर और डर और बढ़ जाता है, फिर पीता हूँ, पीता रहता हूँ, पीता रहता। कौन? मैं हूँ। अबे तू तो यहाँ है, वहाँ कौन है? आगे मत बोलो, आगे मत बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया, राजा जी का खून तो मैंने बिल्कुल नहीं किया। एक मिनट। अरे तेरा अगस्त 1947 को जेल में रघुराज सिंह का गला घोटकर खून कर दिया, इल्जाम ज्वाला सिंह के सिर मर दिया। तुम्हें कैसे मालूम? नशे की झोंक में शनिवार 8 अगस्त को रात को 8 बजे पिताजी बड़बड़ कर रहे थे अंकल और बॉस के सामने, उन्होंने इनको झाड़ दिया, मैंने नोट कर लिया, ये देख लीजिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ, मैंने तो राजा जी के पांव दबाए थे, धर्माधिकारी ने गला दबाया था और सत्यादेव ने उनका मुंह दबाया था, मैंने तो सिर्फ पांव दबाए थे। और वो खजाना? मुझे नहीं पता। गोली मुंह में। अरे बुढ़ो जल्दी बता दे, नहीं तो गोली मुंह में से होती ही खोपड़ी में से बाहर निकल आएगी। बता रहे निकालो मुझे। चलो चलिए चलिए चलिए। अरे इसकी आंख है, आइए 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 आइए। यही वो तिजोरी है जिसमें सोना है। दरवाजा खोलो, ऐसे नहीं खुलता ये, यहाँ कोई बटन है यहाँ। अच्छा बटन, अरे बटन। ये तो कचरा है, ओ सोने की। अब चुप रहने की औलाद, नीचे बॉक्स में। अरे इतने नोट, ये सब सचमुच के हैं? हाँ चुप, बिल्कुल सचमुच के हैं। अब इधर आइए, इधर। लंगड़े शराबी कपटे, हमें मालूम था तू बुजदिल है और अपनी जान बचाने के लिए तू हमें फंसाएगा, इसलिए हम खुद ही बंदोबस्त करते हैं। तुम क्या बंदोबस्त करोगे? मैं बंदोबस्त करता हूँ, चलो चलो आगे, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। चलो हराम जादो, चलो उल्लू का मट्ठा, चलो चलो आगे। Thank you.
सीता बहन, मैं सचमुच आज तक अंधेरे में थी। मुझे ही क्या, पूरे देशवासियों को यही विश्वास दिलाया गया कि राजा साहब की हत्या तुम्हारे पति ने की। लेकिन तुम्हारे मुंह से सारी कहानी सुनकर मेरा दिल कहता है तुम्हारे पति निर्दोष हैं। उन्हें बदनाम करने में जरूर किन्हीं लोगों का हाथ है। कौन हो सकते हैं वो लोग? और कौन हो सकता है? मेरा पिता धर्माधिकारी, मेरे चाचा और... सत्यदेव और मेरे पूज्य पिता श्री अन्याय शर्मा। ये तुम क्या कह रहे हो? वो लोग तो, वो लोग क्या है, ये सब मेरी डायरी में लिखा है। रानी साहिबा, ये जेवर देखिए, इनमें से आप किसी जेवर को पहचानती हैं? हाँ हाँ, ये तो हमारे खानदानी जेवर है। ये गहने मेरे पिताजी की तिजोरी से निकले हैं। राजा विजय रघुराज की हत्या ज्वाला सिंह ने नहीं, इन तीनों महानुभाव ने की है। ये देखिए। विजय। कौन है बे? चाचा। विजय, जेवर लेकर आओ। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी पत्नी को किसी ने मार डाला है। तुम्हारे बेटे का भी कहीं पता नहीं चल रहा, इसलिए डिपार्टमेंट ने पुलिस की हिफाजत में तुम्हें अपनी पत्नी की अंतिम क्रिया के लिए जाने की इजाजत दी है।
मुझे हीरे नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी जान। छोड़ दूं? छोड़ दूंगा। चलो भतीजी। अंकल आपने टाइम बम तो नहीं लगाया ना? अरे धत तेरे की, वो तो मैं भूल ही गया था। शाबाश भतीजे। मैंने दिया। ए, हमारे जाने के बाद यार टाइम बम लगा के इस अड्डे के साथ साथ सबको उड़ा देना। पिताजी,